हेलो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। डायल पैड टचस्टोन इनेबल कैसे करें? आपको सिंपली फोन ऐप पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, हम आपको पहले बता देते हैं, ये हमारा डायल पैड टचस्टोन काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है, इसकी आवाज नहीं आ रही डायल पैड टचस्टोन की। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आपको फोन ऐप आने के बाद में आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, सेटिंग आ जाता है, एक आ जाता है आइडेंटिटी फोन नंबर। आपको इन दोनों में से सेटिंग पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, कॉल सेटिंग में आने के बाद हमें थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ जाती है एडवांस सेटिंग, हमें इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, 1 नंबर पे आता है डायल पैड टचस्टोन, हमें डायल पैड टचस्टोन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, हमें डायल पैड टचस्टोन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे बता रहा है डायल पैड टचस्टोन एंड ये ऑफ, हमें यहाँ से इसे इनेबल करना है। दोस्तों, यहाँ से हमें इसे इनेबल करना है, तो हम यहाँ से इसे इनेबल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा डायल पैड टचस्टोन काम कर रहा है, यानी आवाज कर रहा है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।